नमस्कार, मेरा नाम है शिवम कुमार लोटसवीप और मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ अंडमान निकोबार की लोक कथा सूरज की ओर। बहुत समय पहले की बात है, एक आदमी ने सूरज की ओर जाना शुरू किया। उसे रास्ता नहीं पता था, रास्ते में उसे अनेक कठिनाइयां आई, लेकिन फिर भी वह चलता रहा। जब सूरज डूब गया तब वह वहीं रुक गया। घना जंगल उसके चारों ओर घिरा था। जंगल में उसने थोड़ी जगह साफ की और एक झोपड़ी बना ली। उसके चारों ओर उसने केला, पपीता, सुपारी, नारियल आदि फलों के पौधे रोप दिए। इनसे उसे पर्याप्त भोजन मिलने लगा। इस तरह समय बीतता रहा। एक दिन मलक्का गांव के लोगों ने एक पक्षी को चोंच में मछली दबाकर पश्चिम की ओर उड़ते हुए देखा। उन लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। वापसी में वे उसका पीछा करने लगे। कुछ समय के बाद पक्षी एक झरने पर जा उतरा। पानी वहां चांदी की तरह चमक रहा था। लोगों ने सोचा, पक्षी ने यहीं कहीं से मछली पकड़ी होगी। उन्हें उस जगह का नाम नहीं पता था, लेकिन वे खुश थे क्योंकि उन्होंने एक झरना खोज लिया था। इधर उधर देखने पर उन्हें एक झोपड़ी दिखाई दी। उसके चारों ओर फलों का बगीचा था। उन्हें आश्चर्य हुआ, ऐसे घने और सुनसान जंगल में कौन अकेला रह रहा है। वह धीरे धीरे झोपड़ी तक गए और उसका दरवाजा खटखटाया। आदमी बाहर आया। आप कौन हैं? उसने पूछा। हम मलक्का के निवासी हैं, वे लोग बोले। हम पूरब की ओर उड़ते पक्षी का पीछा करते हुए यहाँ पहुंचे हैं। आप कौन हैं और यहाँ अकेले क्यों रहते हैं? मैं भी कभी मलक्का में रहता था, उसने उत्तर दिया। एक दिन मैंने सूरज की तरफ चलना शुरू किया। सूर्यास्त तक मैं यहाँ पर पहुंचा और यहीं रहने लगा। यह सुनकर मलक्का वासियों ने अपने गाँव से आए उस पहले आदमी को गले लगाया और पुनः मिलने का वादा करके वापस गांव लौट गए। एक दिन पहले आदमी को यह मालूम पड़ा कि उसके घर में नमक का एक कण भी नहीं है। वह नमक की खोज में झोपड़ी से बाहर निकला। कुछ दूर चलने पर उसने एक अन्य आदमी को देखा। नमस्ते भाई, आप कौन हैं और कहां से आए हैं? पहले आदमी ने पूछा। मैं फोबोई गांव का रहने वाला हूँ और लंबे समय से यहीं रह रहा हूँ, वह बोला। दोनों आदमी गहरे दोस्त बन गए। कुछ समय तक बातें करने के बाद दोबारा मिलने का वादा करके अपने अपने रास्ते पर चले गए। दोस्तों, ये थी पूरी कहानी। आशा करता हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।